हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़हल के फूल की। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यह किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह एकदम फ्री है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड़हल का फूल भारत और दुनिया भर के कई देशों में आम रूप से उगाया जाता है। ये बेहद खूबसूरत फूल है जिसकी भारतीय संस्कृति में खास जगह है। माँ काली की पूजा में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में इसे एक संपूर्ण औषधि का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इसमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हल करने की क्षमता होती है। गुड़हल का पेड़ औसतन 4 फीट से 7 फीट तक लंबा होता है और इसे आसानी से गमले या मिट्टी में उगाया जा सकता है। लाल गुड़हल आम रूप से पाया जाने वाला गुड़हल है, मगर इसकी और भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल के अलावा गुड़हल सफ़ेद, गुलाबी, पीला, पीच और नारंगी रंग के भी पाए जाते हैं, मगर लाल गुड़हल ही सबसे फ़ायदेमंद और गुणकारी माना जाता है। गुड़हल का फूल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ ही स्किन यानी कि त्वचा और हेयर्स यानी कि बाल संबंधी परेशानियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसी के साथ ही ये रोज़मर्रा की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को हल करने में सहायक है। यहाँ हम आपको गुड़हल के ऐसे ही कुछ फ़ायदे, इसके इस्तेमाल करने के तरीके और शरीर पर इसके इस्तेमाल से होने वाले असर के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुड़हल के क्या क्या फ़ायदे हैं उनका जिक्र करते हैं। पहला, यह सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यह बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं सेहत के लिए गुड़हल किस तरह से फ़ायदेमंद है। चलिए दोस्तों, गुड़हल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो सर्दी जुकाम को दूर भगाने के लिए बहुत असरदार है। इसलिए सर्दी जुकाम या बुखार होने पर गुड़हल से बनी चाय का सेवन करने पर काफ़ी आराम मिलता है। यह किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है बात करते हैं। सबसे पहले है हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या है जो बिजी लाइफस्टाइल, गलत खानपान और वर्कआउट की कमी का नतीजा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बहुत असरदार तरीका है, वह है गुड़हल। गुड़हल की चाय नेचुरल तरीके से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और रक्त धमनियों में इकट्ठा नहीं होने देती। दूसरा है दोस्तों, एनीमिया। हमारे देश की अधिकतर महिलाएं शरीर में आयरन और खून की कमी की वजह से एनीमिया से ग्रसित हैं। इस समस्या का एक बहुत ही आसान और असरदार समाधान है गुड़हल की चाय। गुड़हल में आयरन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है जो एनीमिया से लड़ने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष रूप से गुड़हल और गुड़हल की चाय का सेवन करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। एक रिसर्च में पता चलता है कि गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है। शरीर रिलैक्स होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही रेगुलेट हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को दिन में 2 बार गुड़हल की चाय का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, चौथा है मधुमेह। दुनिया भर में हर साल डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी मुख्य वजह अत्यधिक मीठे का सेवन नहीं बल्कि स्ट्रेस और टेंशन है। गुड़हल की चाय न सिर्फ शरीर को रिलैक्स करके स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है बल्कि साथ ही ये शरीर में बनने वाले ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी मदद करती है, जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो पांचवा है दोस्तों, मुंह में छाले।
मुंह में छाले होने पर गुड़हल की 4 से 5 पत्तियां चबाने या इसकी पत्तियों को उबालकर उस पानी से कुल्ला करने से काफ़ी मदद मिलती है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और मुंह में काफ़ी मात्रा में लार बनती है, जिससे मुंह के छालों में आराम मिलता है। यदि आपके मुंह में छाले हैं तो आपको गुड़हल की पत्तियों का सेवन अवश्य करना चाहिए। छठा है दोस्तों, वजन घटाने के लिए। बढ़ता हुआ वजन आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या है। आज के टाइम में हर कोई इस समस्या से ग्रसित है, तो आपको बताते हैं वजन घटाने में गुड़हल किस तरह उपयोगी है। गुड़हल एक नेचुरल फैट बर्नर है, जिसकी वजह से ये वजन कम करने में काफ़ी सहायक है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और इसे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण लीवर और किडनी को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। आठवां है दोस्तों, बेहद ज़रूरी स्किन। स्किन के लिए गुड़हल के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए बात करते हैं। गुड़हल दुनिया का सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वाला पेड़ है। देखा जाता है कि अधिकतर देशों में गुड़हल को एंटी एजिंग प्लांट भी कहा जाता है। यह न सिर्फ आपकी स्किन को टाइट और लिफ्ट करता है, बल्कि ये त्वचा की प्लास्टिसिटी को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे स्किन जवान नज़र आती है। साथ ही दोस्तों, गुड़हल में म्यूसिजॉल नाम का एक चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। इसकी मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है, जो पेड़ पौधों में खाना पानी स्टोर करने में मदद करती है। म्यूसिलॉज एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है, जो स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करता है और ड्राई स्किन की समस्या को दूर करता है। साथ ही साथ गुड़हल स्किन को प्यूरीफाई भी करता है, स्किन सेल्स बनाने के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे स्किन नई, खिली खिली और जवां लगने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बालों के लिए गुड़हल किस तरह से फ़ायदेमंद है। गुड़हल बालों के झड़ने, रूसी या डैंड्रफ में, पतले बालों के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बालों के लिए गुड़हल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बालों के लिए गुड़हल के फूलों को सुखाकर हेयर पैक या हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गुड़हल के ताजे फूल और पत्तियों को नारियल के साथ उबालकर इस तेल का इस्तेमाल बालों को पोषण देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, स्किन के लिए गुड़हल के फूलों को ताज़ा या सुखाकर दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप सुखाकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। इस पाउडर को अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाकर फेस पैक या स्क्रब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेहत के लिए गुड़हल को किस तरह से उपयोग में लेना चाहिए। अच्छी सेहत और सेहत से जुड़ी ढेरों परेशानियों से निजात पाने के लिए गुड़हल काफ़ी फ़ायदेमंद है। सेहत के लिए इसका इस्तेमाल करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है इसका चाय के रूप में सेवन करना। गुड़हल की चाय बनाना बहुत ही आसान है। गुड़हल के फूल का हरा हिस्सा हटा दें, फूलों को छाया में सुखाकर स्टोर कर लें। सेवन करने से पहले पानी खौलाकर उसमें 1-2 फूल डालकर ढक दें। 5 मिनट बाद छानकर इसका सेवन कर लें। तो आपको एक वीडियो में गुड़हल की चाय किस तरह बनाई जाती है, इसका भी वीडियो जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, गुड़हल को आप अपने घर में, अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको काफ़ी सारी ज़मीन की ज़रूरत है। आप इसे नॉर्मली एक छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं। यह बहुत रोगों को दूर करने का खजाना है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप अवश्य ही गुड़हल की पत्तियों को, गुड़हल के फूल को और गुड़हल से बनने वाली चाय को अवश्य ही अपने सेवन में शामिल। दोस्तों, ये थे गुड़हल से जुड़े कुछ फ़ायदे जो हमारी सेहत, स्किन और बालों के लिए बेहद उपयोगी हैं। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।